हाय दोस्तों, वेलकम बैक हमारे चैनल मेहंदी डिजाइन श्रेया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 19 है। 19 क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि हमें ब्राइडल के यानी पूरे जो पाम है उसको हमें कैसे फिल करना है। तो चलिए, हमने पूरे भरवा यानी फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन हम की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। और आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि हमें किस साइड के बाद कौन सा डिज़ाइन और कौन सा सेंटर हमें किस डिज़ाइन के बाद बनाना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो क्लासेस हैं, पहले हमने क्या करना है, पहले हमने यहाँ पे फोर लाइन क्रिएट कर लेनी है। चलिए हम फोर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने फोर लाइन क्रिएट कर लेनी है। फोर लाइन क्रिएट करने के बाद एक और हम इस तरीके से लाइन क्रिएट कर लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल वे में हम आपको डिज़ाइन जो बता रहे हैं फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सिंपल वे में है इस तरीके से। और डिज़ाइन को इस तरीके से बनाने के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ से ये हमने इस तरीके से नेक्स्ट डिज़ाइन हमारी जो होगी इस तरीके से हमने फोर लाइन कर लेनी है। आप देख सकते हैं ये हमने हिलाओ मत, ये इस तरीके से ये हमारी हो गई नेक्स्ट। अब हमें कुछ लोग हैं कि जो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं तो हमने आगे क्या करना है ये भूल जाते हैं। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करने के बाद सेम टू सेम इसी एरिया में आपको डिज़ाइन नहीं डालना है, आपने यहाँ से हल्का सा कट लगा देना है इस तरीके से। अब इस तरीके से हमने यहाँ से राउंड ले लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने इस तरीके से पाम में हमने ये डिज़ाइन क्रिएट कर देनी है। और डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद हमने फिर से यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादातर लोग यहाँ फिर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो आपको यहाँ इस तरीके से बड़े बड़े पहले हम्स देने हैं छोटे छोटे, इस तरीके से हम यहाँ तक की फिलिंग करके आपको दिखा रहे हैं जो हमने चार फोल्ड लाइन किए हैं। पहले हमने इसे बोल्ड कर लेना है और फिर इसके बाद हमने हम्स दे लेने। अब जो ये हमारी ओपनिंग है, हमें ओपनिंग कैसे रखनी है कि हमें किस तरीके से ओपनिंग रखनी है, तो पहले हमने ऊपर फोर हम्स दे, सिंपल ओपनिंग स्टार्टअप जो हमारी होगी वो बिल्कुल सिंपल होगी। इस तरीके से डॉट्स दे लें, फिर ये लंबा सा ले लें डॉट्स, फिर छोटे, फिर इस तरीके से लंबा, फिर छोटा, फिर लंबा। इस तरीके से हमने बिल्कुल सिंपल डॉट्स दे लेना है अगर आप बिगिनर हैं, और नहीं अगर आप इससे हैवी देना चाहते हैं तो आप इससे हैवी डिज़ाइन आप इसमें दे सकते हैं, बट मैं अभी आपको यहीं तक दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने इस इसमें क्या फिल करना है, तो आपने इसमें फ्रेंड्स इस तरीके से जो कटवर्क डिज़ाइन होती है फिल कर लेना है, क्योंकि आजकल कटवर्क डिज़ाइन ही कुछ ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने आम भी बना बना के कटवर्क डिज़ाइन को आपको फिल कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने बीच में कटवर्क डिज़ाइन देने के बाद जो बचा हुआ एरिया है वहाँ, तो ये हमने फिल इस तरीके से फिल करना है। फिल वाली क्लासेस भी मैं दे चुकी हूँ, तो अपने क्लासेस जाके देख सकते हैं कि हमें किसी भी डिज़ाइन को फिल कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फिलिंग कर लेनी है। नीचे वाले को भी हमने बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने की क्लास भी मैं दे रखी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से सारे फोर लाइन को हम बोल्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने फिलिंग कर ली। इसके बाद जब हम स्टार्टअप में जो हमारा स्टार्टअप होगा बोल्ड होगा, तो हम उसके साइड्स के एरिया को थोड़ा लाइट रखेंगे, क्योंकि बोल्ड बोल्ड हो जाएगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप पहला डिज़ाइन थोड़ा बोल्ड बना रहे हैं तो सेकंड वाला डिज़ाइन लाइट होना चाहिए। तो चलिए हम इसमें लाइटिंग भर के दिखाते हैं कि हमें लाइट्स में क्या भरना चाहिए। इस तरीके से हमने लाइट डिज़ाइन बना लेनी है। इसी तरीके से हमने पूरे को फिल कर लेना है। जो हमारे डिज़ाइन होगी फ्रेंड्स, उसके जो डायरेक्शन होंगे हमेशा एक पोजीशन में होंगे, यानी जो भी डिज़ाइन का डायरेक्शन है आप सेम बनाएं। आपको डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है कि कभी इधर बना दिए कभी उधर बना दिए, तो ऐसे नहीं करना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं
मैंने साइड्स को थोड़ा लाइट रखा है, उसी तरीके से हमने इस एरिया में भी थोड़ा लाइट ही फिलिंग कर रही है। तो चलिए हम इसमें भी कुछ फिलिंग कर लेते हैं। इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है, आप इतना पे भी करके छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी फिलिंग कर सकते हैं। इस तरीके से कर लेना है, उसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे डॉट्स दे लेने हैं। ऐसे हमने आधे एरिए को कवर कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दे देनी है। डिज़ाइन देने के बाद हमने इसको फिल कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने इस पर छोटे छोटे हम्स दे लेने हैं कुछ इस तरीके से। देने के बाद फ्रेंड्स हमने इस पर इस तरीके से राउंड सर्कल देना है। राउंड सर्कल देने के बाद हमने छोटे 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 फिर से हमने एक और राउंड सर्कल देंगे, ये छोटे छोटे सर्कल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने यहाँ पे इस तरीके से कट लगा, डिज़ाइन को आगे के डिज़ाइन को हमने इस तरीके से कट लगा देना है। जी फिर से हमने इस पर फोर लाइन दे देना है, फोर लाइन देना है। हम्स देने के बाद हमने इसको बोल्ड कर लेना है इस तरीके से, डिज़ाइन को बोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स डिज़ाइन को बोल्ड करने के बाद हमने जो फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है तो हमने फर्स्ट को डार्क रखा है, यानी कि हमारा ये चीज़ें थोड़ा हाईलाइट कर रहा है, और उसके बाद हमने थोड़ा लाइट बनाया है। तो उसके बाद हमने जो डिज़ाइन बनानी है उस डिज़ाइन को हम फिर से थोड़ा बोल्ड रखेंगे, तब जाके हमारी जो है एकदम एक्चुअल डिज़ाइन सेम टू सेम मैच करेगी। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बोल्ड रखेंगे, तो इसमें हम क्या करना है, सेम टू सेम आम्बी वाला डिज़ाइन हम फिर से बनाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने सेम टू सेम मिलता हुआ डिज़ाइन, आप नेक्स्ट डिज़ाइन या फिर कोई डिज़ाइन भी बना रहे हैं तो जो हमारा फ्रंट में जो स्टार्टअप में बनेगा, तो नेक्स्ट जो हमारा लाइट होगा, लाइट के बाद जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो सेम टू सेम जो पहला डिज़ाइन है उससे हमारा डिज़ाइन मिलता होना चाहिए, तब जाके कहीं हमारा जो डिज़ाइन है और भी खूबसूरत और एकदम यूनिक लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने पूरे एरिया को डिज़ाइन से कवर कर लेना है। कवर करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें लीव भी साथ में ऐड कर, तो इस तरीके से हमने जो लीव वाली डिज़ाइन है वो बना लेंगे, और जो बाकी के जो छोटे छोटे जगह बच गए हैं उस पर हम इस तरीके से राउंड सर्कल दे लेंगे जहाँ पे हम लीव नहीं बना सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद हमने बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह इसको भी फिल कर लेना है। फिल करने से पहले हमने सारे डिज़ाइन को आउटलाइन दे देना है। आउटलाइन देने के बाद ही आपको पूरे जो खाली स्पेस है उसको फिल करना है, इससे जो है कि हमारे डिज़ाइन में क्लियरिटी आती है। इस तरीके से आउटलाइन देते हुए हमने डिज़ाइन को फिल करते रहना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पाम तक यानी फ्रंट बैक हैंड का जो डिज़ाइन है आधा रेडी हो चुका है, और इसके बाद हमने क्या फिल करना है, इसके बाद हमें फिंगर फिल करना है। तो जब भी हम फुल हैंड या फिर भरवा हैंड मेहंदी लगाते हैं तो जो हम फिंगर फिल करेंगे, आपको इसका याद रखना है कि फिंगर जो हमने हथेली के पीछे डिज़ाइन लगाई हुई होती है उससे बिल्कुल यहाँ पर डिज़ाइन मैच करना चाहिए डिज़ाइन, या तो आप फिल वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हमने फर्स्ट में फिल रखा है
और उसके बाद हमने थर्ड में, सेकेंड में हमने इस तरह के डिज़ाइन को फिल किया है, फिर थर्ड में हमने डार्क फिलिंग की है। तो हम फिंगर पे इसको करेंगे तो ये जो है उभर के नहीं आएगी, डिज़ाइन बिल्कुल एक में गिजमिज हो जाएगी। तो हमने ये जो दोनों लाइट डिज़ाइन है इनमें से किसी एक डिज़ाइन को आप यहाँ फिल कर सकते हो। तो हम इसमें से चूज़ करते हैं इस डिज़ाइन को, तो हम चेक वाले डिज़ाइन को फिंगर पे फिल करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारी डिज़ाइन किस तरीके से आती है। आप दोनों को चेक कर सकते हैं या फिर अलग हट के भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन जब आप हट के डिज़ाइन बनाएंगे तो उतनी डिज़ाइन में मैच्योरिटी यानी अच्छी डिज़ाइन नहीं आएगी जितनी कि एक दूसरे से मिलती जुलती डिज़ाइनें होती हैं। तो ज़्यादातर याद रखें इस तरीके से हमने फिंगर पे बिल्कुल ये सेकेंड वाले डिज़ाइन को हम क्रिएट करें। तो ये हमने रेडी कर लिया, अब हम डिज़ाइन को चेक चेक में भरेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिज़ाइन को रेडी कर दिया है। इसके बाद आप चाहें तो डॉट डॉट्स भी दे सकते हैं या फिर आप डबल डॉट्स भी दे सकते हैं। मैं दोनों फिंगर में इस तरीके से डॉट्स को करके दिखा रही हूँ। पहले हमने डॉट्स दे लेने हैं पूरे डिज़ाइन में। या तो आप इसमें डबल डॉट वाला यानी इस तरीके से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल लुक होगा। तो आप चाहें तो इस डिज़ाइन को भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इस डिज़ाइन को, आपको जो डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको फिंगर पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिंगर की फिलिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल लुक आएगा। तो हमने इसको, इस डिज़ाइन को हम बोलते हैं डार्क फिलिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया लाइट चेक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा हो गया डार्क डॉट चेक, डार्क डॉट चेक डिज़ाइन, यानी जो हमने ये डिज़ाइन बनाया वो बिल्कुल डार्क है। और ये भी हमारा लाइट है, ये हमारी साइड्स हमने हम्स बनाए हैं, हम्स फ्लावर है, हम्स फ्लावर डिज़ाइन है। तो हमारी डिज़ाइन कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे क्लास में बने रहें। कल हम लेके आएंगे आपके लिए एक नई क्लास। बाय बाय।